पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। शेख हसीना को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बचाकर कैसे भारत लाई, किस तरह इसकी तैयारी की गई, इस रिपोर्ट में समझिए। बांग्लादेश में आरक्षण की आग इतनी भड़क गई कि लोग की उपद्रवियों की भीड़ ने पीएम आवास पर ही हमला बोल दिया है, जिसके बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गई। लेकिन शेख हसीना को सुरक्षित लाने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही फूल प्रूफ तैयारी कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के भारत पहुँचने के मिशन में विदेश मंत्रालय की बड़ी भूमिका रही। विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ी बैठक की गयी। बैठक में NSA, सेना, वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियां मौजूद रही। NSA प्रमुख अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। सेना प्रमुख, रॉ चीफ, वायुसेना प्रमुख और अन्य एजेंसियों के साथ भी रणनीति बनाई गई। बैठक में ही शेख हसीना के बांग्लादेश से एग्जिट प्लान की रणनीति बनी। इसके बाद ही शेख हसीना बांग्लादेश से इस्तीफा देकर भारत के लिए रवाना हुई। ढाका से शेख हसीना बांग्लादेशी C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से त्रिपुरा के लिए रवाना हुई। शेख हसीना का विमान जैसे ही भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया, वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हवा में उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा से 10 किलोमीटर दूर से C-130 विमान की निगरानी कर रही थी। त्रिपुरा से शेख हसीना का विमान गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर लैंड किया। इसके बाद NSA अजीत डोभाल ने शेख हसीना से हिंडन एयरबेस पर मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना और अजीत डोभाल के बीच 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। पश्चिमी वायु कमान प्रमुख एयर मार्शल PM सिन्हा ने भी शेख हसीना से मुलाकात की। इसके बाद PM आवास में CCS की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, NSA चीफ अजीत डोभाल शामिल हुए। इस मीटिंग में किस बारे में बात हुई ये सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश से अगर शेख हसीना सुरक्षित भारत आ पाई हैं, तो उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान और सटीक रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।